लास्ट टाइम हमने मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर कुछ टाइप्स किए थे, जिनमें से बुलेट और गन का एक एग्जांपल था। बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगी, M1V1 M2V2। बोट के ऊपर मैन है वो एक एग्जांपल था कि अगर बोट के ऊपर मैन आगे जा रहा है तो बोट पीछे आ रही है, अगेन मोमेंटम कंजर्वेशन की एप्लीकेशन है। फिर मैंने बॉम्ब का एक्सप्लोजन बोला था कि अगर एक बॉम्ब है और वो रेस्ट पे है तो रेस्ट का मतलब पहले उसका टोटल मोमेंटम जीरो है, और अगर टोटल मोमेंटम उसका जीरो है तो उस केस में अगर इसका एक पीस M1V1 आगे चला गया तो दूसरा पीस M2V2 कहां आएगा, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जाएगा, सच दैट M1V1 प्लस माइनस M2V2, नेगेटिव साइन शोज दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उल्टी तरफ वेक्टर है तो नेट मोमेंटम फिर से क्या जाएगा, सी। ठीक है यहां तक। अभी एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें प्रोजेक्टाइल का केस था, और प्रोजेक्टाइल के केस में सपोज एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट वी कॉस थीटा, यहां पर भी वी कॉस थीटा, और टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर भी वी कॉस थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, सी। यहां तक क्लियर है? तो मान लो बॉम्ब यहां पर एक्सप्लोड हुआ एम मास का, तो एक्सप्लोड होने से पहले अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका मोमेंटम था ही सिर्फ एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मोमेंटम है एम इंटू वी कॉस थीटा, एक्सप्लोजन हो गया। क्वेश्चन में गिवन है जब एक्सप्लोजन हुआ इसके दो पीसेस हो गए M/2 and M/2, एक पीस अपना पाथ रिट्रेस कर गया, मींस रिट्रेस का मतलब वापस आ गया, एक पीस वापस आ गया विद सेम वेलोसिटी दैट इज M/2 into V cos थीटा, लेकिन साइन यहां पर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि रिट्रेस का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, प्लस जो दूसरा पीस है आपको बताना है दूसरे पीस की वेलोसिटी क्या होगी। तो लेट से दूसरे पीस की वेलोसिटी कितनी होगी V2, तो मींस एक्सप्लोजन होने से पहले मोमेंटम, एक्सप्लोजन होने के बाद मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो यहां से V2 कैन बी कैलकुलेटेड, V2 का आंसर आ गया। ये पॉइंट भी सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है ये मेरे ख्याल से हमारा लास्ट टॉपिक था क्या? ओके, नेक्स्ट जो हमने करना है, नेक्स्ट है सपोज अगेन प्रोजेक्टाइल का ही केस है, लेकिन इस बार एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल 3 पीसेस में है। इससे पहले वाला एग्जांपल 2 पीसेस में था, कई बार आपने देखा होगा प्रोजेक्टाइल 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया, तो चाहे एक पार्ट हो चाहे 2 पार्ट हो चाहे कुछ भी हो, जब भी एक्सप्लोजन होगा इट मींस मोमेंटम कांस्टेंट है। एक्सप्लोजन होने से पहले, एक्सप्लोजन होने के बाद टोटल मोमेंटम की वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसके लिए सपोज करो क्वेश्चन वही है, एक प्रोजेक्टाइल चला विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, जैसे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया इसका मास एम था, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, वी कॉस थीटा इसकी वेलोसिटी की वैल्यू थी, इसके तीन पार्ट्स हो गए, जो दो पार्ट्स हैं ठीक, जो दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में से एक पार्ट ऊपर चला गया M/3 का, दूसरा पार्ट नीचे आ गया M/3 का, ठीक। ऊपर नीचे अलोंग वाई एक्सिस चले गए, आपको यह बताना है कि जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थर्ड पार्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यह क्वेश्चन है। 3V cos थीटा, 3V cos थीटा बिल्कुल सही,
देखो हमने लास्ट टाइम एक चीज डिस्कस की थी कि एक्सप्लोजन हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। एक्सप्लोजन में मुझे यह भी मालूम है मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। अब मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ टुकड़े जो पीस आ रहा था टॉप मोस्ट पॉइंट पर, उसके पास सिर्फ एक ही मोमेंटम था अलोंग एक्स एक्सिस। जब एक्सप्लोजन हो गई तो एक्स के अलोंग भी टुकड़ा गया और वाई के अलोंग भी टुकड़ा गया। इट मीन्स अगर मोमेंटम टोटल कॉन्स्टेंट है तो मोमेंटम के दो पार्ट है, एक्स के अलोंग एंड वाई के अलोंग। तो अगर टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो एक्स के अलोंग मोमेंटम भी कॉन्स्टेंट है एंड वाई के अलोंग मोमेंटम भी कॉन्स्टेंट है। क्लियर है यहां तक? तो अगर टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो एक्स और वाई दोनों का मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, अब वाई की टेंशन लेने की अपने को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना मोमेंटम इसका होगा उतना ही मोमेंटम एग्जैक्टली इसका होगा, ठीक है ना? वो क्यों? क्योंकि अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस की बात करूं तो मुझे एक चीज बताओ, जब ये प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आया था इसकी मोशन सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस के अलोंग थी? एक्स, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर? जीरो। तो इट मींस कि अलोंग वाई एक्सिस एक्सप्लोजन होने से पहले मोमेंटम क्या था? जीरो। और अगर एक टुकड़ा ऊपर चला भी गया m बाई थ्री एक्सप्लोजन होने के बाद तो दूसरा गया m बाई थ्री नीचे, सच दैट m बाई थ्री इंटू मान लो ये ऊपर गया विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 तो ये नीचे गया विद अ वेलोसिटी ऑफ v2, सच दैट m बाई थ्री v1 प्लस माइनस m बाई थ्री v2, सही है ना? ताकि टोटल मोमेंटम y एक्सिस के लॉन्ग फिर से क्या आ जाए? जीरो। y एक्सिस के लॉन्ग एक्सप्लोजन होने से पहले मोमेंटम जीरो, एक्सप्लोजन होने के बाद भी क्या आ गया? जीरो। और ऐसा तभी होगा ना जब यहां से सॉल्व करोगे v1 इज इक्वल टू v2। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन कि दो टुकड़े ऊपर नीचे चले गए तो अंडरस्टूड है कि उनका टोटल मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, ठीक हो गया। और साफ पता लग रहा है अगर उनके मासेस बराबर हैं तो उनकी वेलोसिटीज भी क्या रही होंगी? बराबर। कोई डाउट इसमें? तीन टुकड़े इक्वल, तीन टुकड़े अभी आ रहे ना, तीसरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला गया, ठीक, क्योंकि एक्स का मोमेंटम ही तो कांस्टेंट करना है, ठीक है यहां तक? तो अभी आधा खत्म हुआ है, अब बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग फिर से बनाते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी कितनी थी? v cos थीटा, और टोटल मास कितना था? n, ठीक है ना यहां तक? अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर अलोंग एक्स एक्सिस कितना मोमेंटम हो गया? m into v cos थीटा एक्सप्लोजन होने से पहले। और जब एक्सप्लोजन हो गया, तो एक टुकड़ा m by 3 बचा। अब वो y के अलोंग मूव नहीं करेगा, वो कहीं x के अलोंग ही मूव करेगा, m by 3 into let's say velocity of v dash। इसे सॉल्व करो, 3v पॉइंट सबको समझ आ रहा है इसमें कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन है? तो ये भी समझ आ रहा होगा कि अगर कोई बोट पे चले, कोई बैलून पे चले, कोई ट्रॉली पे चले, बॉल्स कोलाइड हो, 1D में हो, 2D में हो, सबके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब मेन क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था यही था ना, कि हमें ये नहीं समझ आता कि कहां लगाएं। तो अब कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं, अब पता है कि अगर एक्सप्लोजन होगा चाहे प्रोजेक्टाइल में हो चाहे खड़े हुए बॉम्ब का हो जाए मोमेंटम कंजर्वेशन तो होगा ही होगा, ठीक। नेक्स्ट है इसके अंदर कि एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है समथिंग रिलेटेड विद चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है इसमें, ये कुछ चेंज इन मोमेंटम के ऊपर है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स में आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। पहले आप ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन की बस यही टाइप्स है जो मैंने बताई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज ये एक वॉल है और सपोज एक बॉल आ रही है, ये एक बॉल आई जिसका मास m है, ठीक है, ये इसे कोलाइड करती है, इसको टक्कर मारती है। ये सपोज करो जो बॉल है ये u वेलोसिटी से आई, और सपोज इलास्टिक कोलिजन है, मीन एनर्जी लॉस नहीं है, जो आपकी बॉल वापस चली गई u वेलोसिटी के साथ वापस चले, ठीक है यहां तक। और सपोज क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि कितने एंगल पर इसने स्ट्राइक किया इस दीवार को, 30 डिग्री पे स्ट्राइक किया, ठीक, एंड 30 डिग्री से ये
वापस चली गई। गिवन है इक्वेशन में, जो मैं बता रहा हूं सब गिवन है। आपको क्या निकालना है इसमें, एक चीज और गिवन है कि बॉल बॉल वॉल के कॉन्टैक्ट में कितनी देर रही, लेट से 0.1 सेकंड के लिए रही बस। तो एक चीज बताओ कि बॉल फोर्स लगाएगी वॉल पे 0.1 सेकंड के लिए लगाएगी, तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है व्हाट इज द इंपल्स। और मैं आपको इतना हिंट जरूर दे देता हूं कि इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, या इंपल्स से भी बेटर एक और चीज निकालो, वो और भी अच्छा होगा। इंपल्स तो छोटी चीज है, आप इसमें फोर्स निकालो क्या होगी। सपोज करो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूं कि सही बोला कि गलत बोला। मेरे को एक चीज सिखाई गई, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, ये क्वेश्चन 1D का नहीं है, ये क्वेश्चन 2D का है। एक्स वाई प्लेन में बॉल आ रही है, एक्स वाई प्लेन में बॉल जा रही है, यानी कि यहां पर एक फोर्स नहीं हो सकती, यहां पर दो फोर्सेस होंगी, एक अलोंग एक्स एक्सिस एक अलोंग वाई एक्सिस। तो एक काम करते हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस की फोर्स निकालना चाहता हूं तो मेरे को चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर मैं वाई एक्सिस की फोर्स निकालना चाहता हूं तो मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा अलोंग वाई एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब टाइम दोनों केस में सेम रहेगा 0.1 सेकंड एंड 0.1 सेकंड, सिर्फ क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। करें तो पहले मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि आप लोगों ने कहा, तो पहले मेरे को इसका क्या लेने पड़ेंगे, कुछ कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। हाँ प्लीज, देखने में ये लग नहीं रहा, पर प्लीज ये दोनों एंगल बराबर ही है, थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बना बट कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे देखो, अब इसके अंदर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सोचो एक वेक्टर आ रहा है, ध्यान से देखना, एक वेक्टर आया m into u वेक्टर, ये आया, इसके आगे दीवार आ गई, वेक्टर खत्म हो गया। ऐसा होता है कभी, ऐसा होता है कभी, सुने, वेक्टर आ रहा है, वेक्टर है m u, बॉल नहीं आई, बॉल तो मुड़ गई, वेक्टर भी मुड़ गया, नहीं वेक्टर थोड़ा मुड़ेगा। अगर दीवार के इस तरफ ईस्ट है तो ईस्ट वही रहेगी ना, दीवार आने से ईस्ट थोड़ा खत्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं इस बात से कि अगर m इंटू जो हम बात कर रहे हैं इसकी m इंटू यू वेक्टर की, तो इस वेक्टर को आपने आगे तक लेके जाना है, दिस इज इनिशियल वेक्टर, खत्म नहीं कर देना। ये नहीं सोचना कि दीवार आ गई तो आगे वेक्टर नहीं जाएगा, वेक्टर डायरेक्शन है, तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर अंदर की तरफ जाए। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। अब अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना हो गया 60, तो ये mu है, इस mu के दो कॉम्पोनेंट होने वाले हैं, और अगर ये 60 है तो ये एंगल भी कितना हो गया 60, तो इसका एक कॉम्पोनेंट यहां होगा कितना mu cos 60, और इसका एक कॉम्पोनेंट नीचे होगा ये रहा कितना mu sin 60, ठीक है यहां तक, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अब सपोज करो फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, ये मेरा m into u फाइनल मोमेंटम वेक्टर है, m into u, जैसे ये 30 है ऐसी ये भी 60 है, mu के दो कंपोनेंट्स हैं, एक x के अलोंग
एम यू कॉस ऑफ 60 और नीचे की तरफ बोलो एम यू साइन 60। समझ आ रहे हैं यहां तक? वेक्टर ठीक ड्रॉ किए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, और मुझे जो चेंज इन मोमेंटम निकालना है वो कैसे निकालना है, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो डी ऑफ पी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है, तो फाइनल मोमेंटम एम यू कॉस ऑफ 60 माइनस माइनस एम यू कॉस ऑफ 60। ठीक है ना, माइनस साइन इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास? 2mu cos 60। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक हो गया। तो अगर मैं dpx निकाल चुका हूं तो यहां से कम मैं फोर्स निकाल सकता हूं। जो मेरी फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? dpx डिवाइडेड बाय dt। तो dpx का मतलब 2 into m into u into cos of 60 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था? 0.5। तो अगर आपको m दे दूं, u दे दूं, cos 60 तो आपको मालूम ही है यहां से आपके पास फोर्स आ जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस। एक आंसर आ गया। अब फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी देख लें साथ ही साथ ही। अगर फोर्स की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस देखें तो उस केस में क्या होगा? दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, लेकिन दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स भी क्या आएगी? और आंसर 2mu cos 60/1। ठीक है ना यहां तक? और कई क्वेश्चन में आएगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फाइंड इंपल्स। अगर इंपल्स निकाल लें तो इंपल्स इज जस्ट चेंज इन मोमेंटम, आंसर आएगा 2mu cos 60। पॉइंट क्लियर है? ऐसे किया था? ब्लॉक मूव्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज वी, इफ इट स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सेम इंक्लिनेशन, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज वी बाई एन। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है। ब्लॉक यहां से चला u = 0 और फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसको कौन नीचे लेके आएगा? mg sin थीटा। वो mg cos थीटा भी तो होता ही है लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। तो mg sin थीटा इसको नीचे लेके आएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? mg sin थीटा = mass × acceleration। ये कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन की जगह g into sin of थीटा। और लेट से ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है? s।
तो s इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी का अच्छा v गिवन है इसमें अच्छा ठीक है फिर ये नहीं लगाते कोई बात नहीं छोड़ देते हैं बिना फ्रिक्शन के वेलोसिटी कितनी गिवन है v ऐसी है कोई बात नहीं ऐसे कर लो फिर जब बिना फ्रिक्शन की ब्लॉक नीचे आता है क्वेश्चन में कहा गया इसकी वेलोसिटी v है कोई बात नहीं v ले लेते हैं तो अप्लाई कर लो v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस तो v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी साइन थीटा इंटू एस अब सेम केस करो एक बार फ्रिक्शन को लेके डिवाइड करो दोनों केसेस को आंसर आएगा सेकेंड केस में क्या करेंगे सेकेंड केस में सेम इंक्लाइन प्लेन है वही एंगल थीटा है या आपके पास एम मास है लेकिन सेकेंड केस में कौन इसको नीचे लेके आएगा एम जी साइन थीटा एंड पीछे की तरफ क्या एक्ट करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इस केस में एम जी नीचे होता है और इसके अगर कॉम्पोनेंट बनाए जाए एम जी कॉस थीटा इधर होगा ये एंगल थीटा है और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है म्यू टाइम्स तो सिस्टम अगर नीचे आता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो एम इनटू जी इनटू साइन थीटा माइनस म्यू इनटू एम इनटू जी इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो सेकंड केस में जो एक्सेलरेशन होगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगी ठीक है यहां तक कि आपके पास एक्सेलरेशन आ गई अब फिर से एक बार अप्लाई करो लेकिन इस बार फ्रिक्शन है तो कहा गया है कि नीचे आने की वेलोसिटी v नहीं है नीचे आने की वेलोसिटी अब v बाय n u तो ऑलरेडी क्या रहेगा इसमें जीरो तो आप इसमें क्या करेंगे इसमें अप्लाई करें v बाय n का स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू इंटू एक्सेलेरेशन की जगह g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस की वैल्यू क्या रहेगी सेम डिवाइड कर लो यार विद ए ऑप्शन ओके वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एस से एस भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है म्यू निकालना है तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट सबको समझ आ रहा है ठीक है ना क्लियर है मेथड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो यहां से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ए ऑप्शन आ जाएगा कि म्यू की वैल्यू टेन थीटा इंटू वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर दो इक्वेशंस क्लियर है जो मैंने बनाई वो इंपॉर्टेंट है दो इक्वेशंस बना के ये आंसर निकालना नेक्स्ट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है आपने वो आप करो ये कर लो टेंथ
क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक सिस्टम है पुली का और दो मासेस हैं, ये दोनों चल रहे थे, पुलीज के ऊपर मासेस चल रहे थे, ये आपके सामने M1 है, M1 नीचे जा रहा है और M2 ऊपर जा रहा है, तो यहां पर भार लगा कोई, वेट या जो भी लगा, जिस वजह से इस बैलेंस को, इसको इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई, तो जितनी भी यहां पर फोर्स लगी उस फोर्स के बराबर वेट यहां पर हमने डाल दिए ताकि ये बैलेंस खराब ना हो। फिर क्या हुआ, किसी ने जाके क्लैंप लगा दिया, क्लैंप लगाने का मतलब इसकी मोशन को बंद कर दिया, बस ये हवा में लटके हुए M1 M2 मूव नहीं कर रहे। अब क्या हुआ, पहले केस में वेट लगाया, दूसरे केस में भी वेट को चेंज किया, मतलब जब पुली चल रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए W1 वेट लगाया, जब पुली नहीं चल रही तो बैलेंस करने के लिए W2 वेट लगाया। आपको बताना है कि जो आप यहां वेट लगा रहे हो वो आपको बढ़ाना पड़ा या डिक्रीज करना पड़ा? क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने मास तो चेंज ही नहीं किया, तो फिर W1 शुड बी इक्वल टू W2, ठीक है ना? नहीं, ऐसे नहीं है। जब पुली चल रही है ना तो वो यहां पर वेट कितना लगाएगी, 2T, थ्रस्ट ऑन पुली। हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि अगर ये नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, और यहां पर स्ट्रिंग के अंदर क्या आ गई, टेंशन TNT, तो इस पोर्शन में टेंशन क्या होती है, ट्वाइस 2T। तो 2T टेंशन का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, 2M1M2 / M1 + M2 g। तो आपके पास 2 × T की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 4M1M2 4 times M1 M2 / M1 + M2 g। तो ऑब्वियसली आपने वेट भी इसके इक्वल ही लगाया होगा, पहला केस इज क्लियर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उनको चलाना बंद कर दिया, जब मैंने चलाया नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं हुई, एक्सेलरेशन नहीं हुई तो उस पोर्शन में टेंशन टूटी नहीं होगी, टूटी तब होती है व्हेन देयर इज सम एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन ही नहीं तो फिर जितना एक्चुअल वेट है, ये केस नंबर 2 है, और एक्चुअल वेट कितना होगा लटका हुआ लेफ्ट साइड पे M1 + M2 × g, तो मैंने वेट भी एग्जैक्टली कितना लगाया, इतना लगाया। तो पहले केस में कुछ और वेट है, अब इस केस में कुछ और वेट है, तो आपको ये बताना है कि मैंने वेट बढ़ाया या वेट मैंने कम किया, मैंने कम किया, पहले का वेट कम था, ऑब्वियसली 2T कम होती है M1 + M2। ऐसा करो, रैंडम कोई भी वैल्यू ले लो, अपने मन में कोई भी वैल्यू ले लो, अगर ये चेक करना है कि ये बढ़ा है या ये बढ़ा है, तो एक काम करो M1 1 kg ले लो, M2 2 kg ले लो, पता लग जाएगा कि ये टर्म बढ़ी है या ये टर्म बढ़ी है। तो मैं बता दूं कि M1 + M2 g बड़ा होता है एज कम्पेयर टू 2T, ठीक है ना यादव? तो जो M1 + M2 g एक्चुअल वेट होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी कि पहले वेट कम था अब वेट ज्यादा है, तो यानी कि मैंने वेट को क्या किया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है यादव? जब वो रुक गई तो इस टोटल वेट नीचे की तरफ हो गया M1 + M2 × g, टूटी नहीं, फिर हुआ चलती हुई पुली के केस में टूटी होते हैं, ठीक है यादव? तो इट मींस मेरा क्वेश्चन था क्या, मेरा क्वेश्चन है कि बैलेंस इज काउंटर पॉइंट एंड देन पुली इज क्लैम्प्ड सो दैट M1 M2 डू नॉट मूव, हाउ मच काउंटर वेट इज टू बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड टू रिस्टोर बैलेंस इफ द क्लैंप इज रिलीज्ड। एंड में टर्म देखो, एंड में ध्यान से, मुझे ऐसा लगा क्या, ध्यान से देखो क्वेश्चन बहुत बारीकी है क्वेश्चन में, पहले वो कह रहा है पुली चल रही है, फिर वो कह रहा है पुली को मत चलाओ, पुली चल रही है तो मुझे पता लग गया कि मेरा टोटल वेट इतना है, ठीक है, पुली को बंद कर दिया तो टोटल वेट कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक हो गया। तो मैंने वेट को क्या कर लिया, दूसरे केस में इंक्रीज कर लिया। देखा जाए तो अभी तक क्या सिनेरियो चल रहा है कि पहले वेट कम था अब वेट ज्यादा, तो मैंने वेट को बढ़ा दिया, तो आंसर इंक्रीज में होना चाहिए, आंसर इंक्रीज में, लेकिन ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में डिक्रीज है, चेक करो ये कैसे हो गया, क्योंकि एंड वर्ड पढ़ो स्टेटमेंट का, वो कह रहा है एक काम करो, टू रिस्टोर बैलेंस इफ द क्लैंप इज रिलीज्ड। अब अगर मैं फिर से क्लैंप को छोड़ दूंगा तो वापस मेरा केस यहां से कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, मेरे को वेट को बढ़ाना नहीं है, मेरे को वेट को क्या करना पड़ेगा, अब
پھر سے کم کرنا پڑے گا. کنفیوز کر گیا تھا, ایک بار کیس بنا دیا اس نے چلتی ہوئی پلی کو روک دیا, تو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے ویٹ بڑھ گئے. پھر کہتے نہیں ویٹ کو بڑھانا نہیں ہے, اب واپس اس کو چھوڑ دو. واپس سے چھوڑنے کا مطلب ویٹ شوڈ بی اگین ریڈیوسڈ. دونوں کا ڈفرینس نکال لینا. جب دونوں کا ڈفرینس نکالو گے یہ آ جائے گا, اس میں سے یہ مائنس کرو گے یہ ویلیو آئے گی. مائنس اور پلس کو ایسے مت دیکھنا, کچھ مت دیکھنا, یہ میگنیٹیوڈ آ گیا. میگنیٹیوڈ کے آگے بس آپ نے ڈیکریز لکھ دینا ہے, اور وہ ڈیکریز کا فنڈا میں آپ کو بتا چکا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اب رکی ہوئی پولی کو مجھے چلانا ہے. تو مائنس دو طریقے ہوتے ہیں نا, یا تو میتھس کے ساتھ دیکھو مائنس اور پلس کو, یا تو ویسے ہی پتا لگ رہا ہے اس میں ڈیکریز ڈیکریز ورڈ یوز کرنا ہے. تو میگنیٹیوڈ تو سیم ہی رہے گا, بس ورڈ ڈیکریز کے ساتھ آپشن. ٹھیک ہے نا, یہاں تک کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ میتھڈ کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. بلاک آف ماس ایم از پش ود دی ویلوسٹی آف یو ٹوورڈز دی موویبل ویج آف ماس ایٹا ایم اینڈ ہائٹ آف ایچ. آل دی سرفیسز آر سموتھ, دی منیمم ویلیو آف یو فار وچ دی بلاک ول ریچ دی ٹاپ آف دی ویج از واٹ. مجھے صرف یہ بتاؤ کیا لگے گا اس میں. سب سے پہلے کنزرویشن مومنٹم, بالکل صحیح. ہم نے لاسٹ ٹائم ایک چیز ڈسکس کی تھی, نہیں کی تھی تو مومنٹم کنزرویشن کی ایک بار پھر سے سٹیٹمنٹ سن لو. اگر ایک سٹرنگ ہے, نیچے ایک بلاک ہے بڑا ایم, ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ والا کیس شاید, کہ اگر ایک بلٹ آ رہا ہے آف ماس چھوٹا ایم ود ویلوسٹی آف یو, اور یہ کس پہ ہے؟ ریسٹ پہ. بلٹ بلاک کے اندر انٹر کر گیا, دونوں کا ماس بڑھ گیا, دے موو ود کامن ویلوسٹی وی, تو کولیژن ہو رہی ہے. ٹکر ہونے سے پہلے یہ مومنٹم ان دونوں کا, اور ٹکر ہونے کے بعد ٹوٹل مومنٹم کیا ہوگا؟ ایم پلس ایم انٹو کیپیٹل پی. تو یہاں سے وی کین کیلکولیٹ دی کامن ویلوسٹی آف اے بلاک, اور کامن ویلوسٹی آف بلاک آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں تک اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سیم ہی تو کیس ہے ابھی جو ہم کر رہے ہیں. بولو, فرکشن نہیں ہے. اگر میں
तीन लोगों के ब्लॉक को धक्का मार दूं, रोकेगा कौन? फ्रिक्शन तो है ही नहीं, मूव करेगा। तो फ्रिक्शन नहीं तो मोमेंट है। अगर फ्रिक्शन है फिर उस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाओगे, क्योंकि उसमें तो एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस में आप क्या कहोगे कि वेलोसिटी क्या होगी? उसमें मोमेंटम नहीं, उसमें लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन। उसमें आपको लॉस निकालना पड़ेगा ड्यू टू फ्रिक्शन, जो कि हम वर्क एनर्जी पार के अंदर करेंगे। फ्रिक्शन की हेल्प से कैसे लॉसेस निकाले जाएंगे मैं आपको सारी टेक्निक्स बताऊंगा, और अभी दो मिनट रुको। तो इस केस में तो फ्रिक्शन है ही नहीं, और भी अच्छा हो गया। तो इस केस में सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस केस में टक्कर होने से पहले इसका मोमेंटम mu और वेज किस पे था? रेस्ट पे। टक्कर हो गई, फिर कंबाइंड दोनों इकट्ठे हो गए, क्योंकि वेज के ऊपर ये मास आ गया, तो आपके पास कुछ ये वैल्यू आ गई, एंड दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, ठीक है ना? तो यहां से कॉमन वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। यहां तो क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ईटा की कम से कम कितनी वैल्यू हो, कि ये जो ब्लॉक है ये बिल्कुल वेज के एंड पे, सबसे एंड पे पहुंच जाए। यू निकालना है, चलो यू की कितनी वैल्यू हो, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से मत इसको छोड़ देना कि ये आगे निकल जाए। एक केस ठीक है, वेज को हिला जाएगा लेकिन खुद मोटरसाइकिल की तरह आगे चला जाएगा, नहीं चाहिए। इतना कम भी ना हो कि यहां गया वापस आ गया, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ये गया बस, इतना परफेक्ट केस चाहिए। अब उसके बाद रुक गया और वापस आया नहीं आया वो अपनी हेडेक नहीं है, बस इसको यहां तक हमने लेके जाना है, ठीक। तो ऐसे जो नेक्स्ट पार्ट इसका बनेगा, वैसे हमने किया नहीं है पर ऑप्शन ही है मेरे पास, एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली वैसे हमने नहीं किया, बट इतना तो हर कोई समझता है कि जितनी एनर्जी ब्लॉक के पास थी पहले, नीचे थी, टॉप मोस्ट पॉइंट के पास जब वो पहुंचेगा तब भी एनर्जी की वैल्यू टोटल क्या रहेगी, सेम, ठीक है यहां तक। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो पहले तो सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक थी, सिर्फ काइनेटिक थी। बाद में क्या हुआ, वेज ने मूव करना शुरू कर दिया, तो वेज की काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, आपके ब्लॉक ने ही तो दी, हाफ एम यू स्क्वायर ने ही तो दी थी, और किसने थी? तो वेज ने चलना शुरू कर दिया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्या हुआ जिसने? ठीक, तो एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू एम यू स्क्वायर, शुरू में इसकी एनर्जी तो थी जीरो, इसको तो छोड़ी, इनिशियल एनर्जी आ गई। अब क्या हुआ, ये इसके ऊपर यहां पर आ गया, तो जो ब्लॉक एम है सबसे पहले उसने कौन सी एनर्जी एक्वायर कर ली, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एक्वायर कर ली, ये तो रुक गया, इसका काम तो हो गया खत्म, इसकी काइनेटिक तो हमने खत्म कर दी ना, अगर काइनेटिक और दे दी तो ये तो ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर वेज वहां रुक भी जाता है, अगर ब्लॉक वहां रुक भी जाता है, तो वेज ने तो मूव करना शुरू कर दिया, और वेज ने साथ में किसको मूव करवाना शुरू कर दिया, ब्लॉक को, तो इनकी टोटल एनर्जी लेनी पड़ेगी ना, इनकी टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ इनटू इनकी कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है ना यहां तक। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर लिया, और कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी थी, म्यू अपॉन यू अपॉन, ओके, तो यू अपॉन वन प्लस ईटा, इसको उठा के यहां पुट कर लेना, देख लेना जो निकालना है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, यहां से आपको वैल्यू निकालनी होगी किसकी, यू की, यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर हो जाएगा। मैं अवॉइड कर रहा हूं वैसे एनर्जी कंजर्वेशन अवॉइड कर रहा हूं, स्प्रिंग्स अवॉइड कर रहा हूं, वो इसलिए कि जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन करवाऊंगा इस सारी पूरे लेक्चर में एनर्जी कंजर्वेशन ही चलेगी, जब मैं स्प्रिंग कराऊंगा तो बस सारे लेक्चर में स्प्रिंग स्प्रिंग होंगे। इसमें दो तीन क्वेश्चन स्प्रिंग के हैं, मैं स्प्रिंग के साथ ही करवाना चाहता हूं, ठीक है ना, ताकि कैटेगराइजेशन बेटर हो जाए। आपके पास यू की कुछ इसका सी आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इस क्वेश्चन में कुछ पोर्शन स्मूथ है, आधा पोर्शन फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है, यू जीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये ब्लॉक यहां मूव करता है, यहां से यहां तक मूव करता है, तो इसकी नीचे जाने की एक्सेलेरेशन क्या होगी, जी साइन थीटा। तो सबसे पहले मान लो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो आप इस केस के लिए बनाओ वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू जी साइन थीटा इंटू एल स्क्वायर। पहला केस क्लियर है, ठीक है ना, एल डिस्टेंस ट्रेवल किया ना उसने, हाफ डिस्टेंस एल, टोटल डिस्टेंस मान लो टू एल है, अगर डिस्टेंस आपने एल ले लिया तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू ए एस, तो यहां से वी की वैल्यू आ गई ठीक। एक चीज आपने इस स्टेज पे वी निकाल लिया, अब एक चीज देखो जब ब्लॉक यहां कहीं पहुंचेगा, यहां तो फ्रिक्शन है, और अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड है, इसको नीचे कौन लेके जाएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक, एम जी साइन थीटा राइट करना है, एल 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 क्या आएगा, ओहो सॉरी टू ए एल आएगा, सॉरी टू एल कर लेना कोई बात नहीं, यहां पे इसको भी अंडरूट के अंदर ले लो, कोई बात नहीं। ओके, सेकंड केस में नीचे की तरफ कौन लेके जा रहा है, mg sin थीटा, ऊपर कौन है, म्यू टाइम्स mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नीचे की एक्सेलरेशन आप ले लेना वही g sin थीटा माइनस म्यू इनटू g cos थीटा। तो फिर से एक बार यहां लगा लेना इसके लिए, अब इस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो इसमें फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर टू इंटू एक्सेलेरेशन की जगह जी साइन जो भी पुट करना है पुट कर लेना इंटू एन, यहां से वी को उठाओ यहां पुट कर लेना, जो निकालना है निकाल लेना। यहां पर पहला केस क्लियर है, वी आ गया इस पॉइंट पर, वी आ गया, अब यहां फ्रिक्शन तो है नहीं, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, जी साइन थीटा, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू एस, एस की जगह एल, v आ गया, फिर इस जर्नी के लिए v इज इनिशियल और फाइनल की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो फिर से एक बार v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज u स्क्वायर इज टू ए एस, इसमें सेकंड केस में, सेकंड केस में रिटार्डेशन हो गई, रिटार्डेशन हो गई यही हो सकता है, और अदरवाइज वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या रीजन हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता, तो आपको फिर से अगर वैसे भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, अल्टीमेटली जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कब, इसका मतलब एक्सप्रेशन यहां पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइन माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है ना, यहां तक तो इस वी को उठा के यहां पुट कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आंसर की वैल्यू आ जाएगी 2.105। और ये बार बार के पॉइंट क्यों यूज कर रहा है सॉल्यूशन, क्योंकि बॉडी चल रही है, चल रही है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के आएगा, नहीं भी लगाओगे तो अंडरस्टूड है कि म्यू के ही होगा, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ये भी सेम है, ये इसका है ठीक है, इसका ग्राफ बताना जरा क्या आएगा 19th का, रख दो बी के ऊपर, ये लो ये ए है ये बी है, ए को वेलोसिटी वी नॉट दे दी, और कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी वी वन, कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी वी टू, इसका मतलब रिलेटिव मोशन है, इसका मतलब दे विल नॉट मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा या इसका मतलब हम, ठीक है ना,
اصل کوشچن کچھ ایسا ہے، بی بلاک پہلے موشن میں نہیں تھا، بہت سلو موشن میں ڈائگرام بنایا اس نے، پہلے ہم نے فورس یعنی کہ کس پہ اپلائی کی، اے پہ، ہم نے ویلوسٹی دی نا اسے، تو ہوا کیا کہ جب ہم نے وی ناٹ ویلوسٹی دی تو بی اس ٹائم ریسٹ پہ تھا، اس کو تو انیشل ویلوسٹی وی ناٹ مل گئی، بی کی زیرو تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، ڈیو ٹو فرکشن انہوں نے اکٹھا موو کرنا شروع کر دیا، اور اگر اکٹھا موو کیا تو بی نے اپنی ویلوسٹی بڑھا لی زیرو سے، لیکن اے کی ویلوسٹی جتنی آپ نے دی تھی اتنی وہ ایکوائر کرے گا نہیں، کیونکہ اے کو بی کو بھی ساتھ لے کے چل لیں، تو اے کی ویلوسٹی وی ناٹ سے کیا ہو گئی، کم ہو گئی، اور الٹیمیٹلی دے ول، اگر میں زیوم کرتا ہوں کہ دونوں اکٹھے موو کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی بہت دیر کے بعد وی ون از اکول ٹو کیا ہو جائے گا، وی ٹو، ٹھیک ہے یہاں تک؟ تو اس کا جو گراف بنے گا وہ پہلی بات کرو نہیں بن سکتا، گراف کرو نہیں بنتے، کیونکہ ویلوسٹی میں اور ٹائم میں گراف وی از یو پلس اے ٹی، یا وی از یو پلس اے ٹی ہم لگا سکتے ہیں اس میں، ایکسلریشن کسی کے لیے ایکسلریٹ کر رہی، کوئی باڈی تو ایکسلریٹ کر رہی ہے اور کوئی باڈی ریٹارڈ کر رہی ہے، لگے گی تو لینئر موشن، ہم نہیں اس کی ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم کی، ایکس ٹی گراف کا لے لو، چلو اگر آپ ایکس ٹی گراف کا گراف لیتے ہو، ویریشن تو بالکل بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اس کا بی سی بیسٹ آپشن۔ نیکسٹ ہے اس میں جو آپ کوشچن اٹمپٹ کرنا، سپوز اسفیئر از روٹیٹنگ بٹوین اے رف وال اینڈ اے اسموتھ ویج، تو یہ رف ہے، یہاں فرکشن ہے اور یہ اسموتھ ہے، یہاں بالکل فرکشن، تو ایک چیز تو کلیئر ہے، اگر یہ کچھ اس طریقے سے نیچے کو آ رہا ہے تو اس پوائنٹ پر فورس آف فرکشن کہاں ہوگی، اوپر ہوگی، ٹینجنشل اوپر کی طرف ہوگی، ٹھیک، آپ کو اس میں کیا نکالنا ہے، آپ کو اس میں نکالنا ہے کہ دی نارمل ریئیکشن بٹوین دی وال اینڈ اسفیئر ول بی ایکول ٹو، جو دیوار ہے، جو وال ہے، یہ وال ہے، تو اس میں جو نارمل ریئیکشن ہوگا آپ نکالو گے، وہ آپ کو بتانا ہے کہ وہ انکریز ہوگا یا ڈیکریز ہوگا، اگر آپ تھیٹا کو انکریز کرو گے، میو کو ڈیکریز کرو گے، اس کی ایگزیکٹ فگر میں بنا دیتا ہوں، کچھ ایسا لو اس کو، یہ فگر کچھ ایسے ہے کہ یہ ایک وال ہے اور یہ آپ کے سامنے کوئی، اس کو کیا لکھا ہوا ہے، چلو جو بھی ہے، یہ ان کے بیچ میں نیچے جا کے جو اینگل بنے گا، لیٹس سے وہ کتنا بن رہا ہے، تھیٹا، 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 کیونکہ آپ کا آنسر تھیٹا کی فارم میں پوچھا نا آپشن، اچھا ٹھیک ہے، اس طریقے سے، اوکے یہ تھیٹا ہے، کوئی بات نہیں، یہ لے لو تھیٹا، کوئی بات نہیں، یہ تھیٹا لے لو، چلو کوئی بات نہیں، یہاں پر جو ریئیکشن لگے گا وہ ایگزیکٹلی ٹورڈ سینٹر لگے گا، یہاں ریئیکشن ٹورڈ سینٹر لگے گا، کیونکہ سرکولر سرفیس پہ جو بھی ریئیکشن لگتے ہیں وہ ہمیشہ ٹورڈ سینٹر لگتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو اگر
और ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में घूम रहे हैं फेयर, ये नहीं कि ऊपर जा रहा है ये नहीं कि नीचे आ रहा है, कुछ नहीं है, बस खड़ा खड़ा घूमता जा रहा है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको फोर्सेस को इक्वेट करना है, वर्टिकल फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी क्या करना है आपने, इक्वेट करना है। और फोर्सेस में होंगी क्या, या तो नॉर्मल रिएक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा या वेट होगा, और कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें एक तो जो नॉर्मल रिएक्शन है N1 टूवर्ड सेंटर, N2 टूवर्ड सेंटर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर होगी, वेट W नीचे हो गया, और इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट्स बना लिए, क्योंकि आपका ये वाला जो एंगल है थीटा है, तो अगर मैं एक लाइन यहां ड्रॉ करूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन है टूवर्ड सेंटर लेट से, तो उस केस में अगर मैं कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा फिर से थीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने ये सही बनाया हुआ है, ये थीटा एंगल, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये थीटा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट हो गए, एक कॉस की तरफ और एक साइन वाला कॉम्पोनेंट हो गया, एक कॉस और एक साइन। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये रिएक्शन इसको इक्वेट करेगा, N1 is equal to N2 into sine of theta, और वर्टिकल फोर्सेस कितनी है, ये एक वर्टिकल फोर्स है, ये एक वर्टिकल फोर्स है, ये दूसरी वर्टिकल फोर्स है, और तीसरी वर्टिकल फोर्स क्या है, वेट ऑफ द बॉडी W। तो इसलिए म्यू टाइम्स N1 प्लस N2 into cos of theta is equal to वेट W। आपने क्या करना है, N पहले एक बार चेक कर लो, N हाँ ठीक है, आपको N2 को एलिमिनेट करना है, N2 को N1 अपॉन साइन थीटा पुट करो, इस N2 को उठा के यहां पुट कर दो, N2 को उठा के इसके अंदर पुट कर दो, तो आपके पास N1 आ जाएगा, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, N1 की, क्योंकि आपको आंसर देना है N1 की फॉर्म में कि नॉर्मल रिएक्शन N1 इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो पहले N1 का फॉर्मूला तो निकाल ले, ठीक है ना, यहां तक ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो यहां से N1 की जो वैल्यू आएगी वो आप यहां से निकाल लो, इसका कितनी आ रही है, ओके तो आपके पास N1 सॉल्व करने पे आ रहा है कितना, Mg means W upon mu plus cot theta। तो एक चीज देखो, अगर mu बढ़ाएंगे सरफेस का तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एक आंसर आ गया, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ mu, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज। एंगल की बात करें, इफ यू इंक्रीज एंगल तो cot थीटा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, cot थीटा कम होता है, cot जीरो क्या होता है, अच्छा tan का उल्टा होता है cot, इसलिए ठीक है। तो ठीक है फिर, तो cot थीटा की वैल्यू, क्योंकि tan थीटा इंक्रीज हो रहा था cot थीटा डिक्रीज होगा, तो सही है फिर, अगर ये भी cot थीटा की वैल्यू भी अगर क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही है, उल्टा है, tan cot ऑफ जीरो से स्टार्ट करते हैं, cot जीरो की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, फिर उसके बाद कम 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 और कम, ठीक है। तो इट मीन्स वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, और अगर एंगल डिक्रीज होगा तो नॉर्मल रिएक्शन विल इंक्रीज, इंक्रीज ही बोला मैंने, ठीक है, या फिर इसका इनवर्स भी ट्रू है, एक मिनट इधर देखो, अगर नॉर्मल, अच्छा यहां पे इंक्रीज होना चाहिए, सॉरी आपने ये बोला था, रिपीट करता हूं, अगर एंगल इंक्रीज होगा cot थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, थीटा इंक्रीज होगा लेकिन ओवरऑल cot थीटा डिक्रीज होगा, तो N1 इंक्रीज होगा, लेकिन इसने रिलेशन cot थीटा के साथ नहीं पूछा, इसने रिलेशन सिर्फ थीटा के साथ पूछा, तो ठीक है ना, अगर थीटा की वैल्यू इट मीन इंक्रीज होगी तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डिक्रीज, ठीक है, तो मार्क कर लेना, क्या चार ऑप्शन होंगे इसमें इंक्रीज डिक्रीज के, बीसी पॉइंट क्लियर है, लेकिन कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है वो तो अलग बात है, बट पॉइंट क्लियर है इसमें कैसे करना है। 30th क्वेश्चन करना, काम करो, एल ले लो, छोट
A uniform chain of length L is placed on a rough table with length L by N hanging over the edge. Table ki length se to kya lena dena yaar, table chota ho bada ho, chain ki length. To basically kya nikalna hai isme, question ye hai ki agar ye ek table hai, table ke upar chain padi hui hai such that ki total length chain ki L hai aur kitni chain hang kar rahi hai L divided by N. मुझे इसमें सरफेस में म्यू गिवन है, मींस मुझे म्यू निकालना है, म्यू ही निकालना है ना इसमें, म्यू निकालना है कि ये चेन नीचे ना गिरे. अगर ये चेन नीचे गिरी कौन गिरेगा इसे, इसका वेट, हवा में लटका हुआ वेट गिरेगा. तो हवा में लटका हुआ वेट निकालने पहले पहले मास निकालना पड़ेगा. तो क्या करें, लेट से अगर लेंथ एल है चेन की तो लेट से टोटल मास कितने हैं, एम है. अगर वन है तो m by l है, आ गया ना मास पर यूनिट लेंथ. और अगर लेंथ कितनी है l डिवाइडेड बाय n, तो इसको l अपॉन n से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ गया m डिवाइडेड बाय n इनटू g. ये क्या आ गया, इसका चेन का वेट आ गया. और इसको बचाएगा कौन, यहां की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन. अब इस पोर्शन का नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, कौन से वाले पोर्शन का, जो चेन ये वाला पोर्शन जो टेबल के ऊपर है. पर पहले मुझे इस पोर्शन का मास निकालना पड़ेगा, मास से पहले इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी. इसकी लेंथ कितनी है, L माइनस L अपॉन N. तो अगर टोटल लेंथ L है तो मास M है चेन का, 1 है तो M बाय L है. और अगर कितनी लेंथ है, L इंटू 1 माइनस N, तो फिर मास कितने हैं, M बाय L इंटू L इंटू 1 माइनस 1 बाय. ठीक है ना, तो यहां से अगर मास निकालना हो तो मास आएगा m बाय l इंटू वन माइनस वन बाय n. ये कैंसल, m इंटू वन माइनस वन बाय n. ठीक है ना, तो नॉर्मल तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगी, म्यू टाइम्स इसका मास आ गया m, वन माइनस वन बाय n इंटू g. ठीक है ना, यहां तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई. और अगर वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इक्वेट कर दें तो चेन नीचे नहीं गिरेगी. इक्वेट करके म्यू निकाल लो, आंसर आ गया. इसको इसको और इसको इक्वेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा. पॉइंट क्लियर है, यहां तक करना कैसे. वेट कर लेना, जो भी आएगा आंसर है. नेक्स्ट देखो, पार्टिकल मूव सो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ट्वाइस इट्स वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन ट्वाइस इट्स वेलोसिटी. देखो, एक तो सबसे पहली बात एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. अब जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन और डबल हो जाती है, वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाती है, एंड सो ऑन. तो आपको क्या निकालना है, इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0.1, वेलोसिटी आफ्टर इट हैज गॉन 0.1 मीटर इज व्हाट. तो यानी कि पहली बात तो ये समझ लो, कोई इसमें शॉर्टकट यूज नहीं होगा,
یہ کوشچن انٹیگریشن سے ہو سکتا ہے, کیونکہ اسمال چینج ان ویلوسٹی, اسمال چینج ان ایکسلریشن, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ جیسی تھوڑا سا بھی چینج ہوتا ہے, ویلوسٹی بھی چینج ہو جاتی ہے, ایکسلریشن بھی چینج ہو جاتی ہے, ڈسپلیسمنٹ بھی چینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ کوشچن وہ نہیں ہے وی مائنس یو از یا وی از اکول ٹو یو پلس اے ٹی, انیشل لو فائنل لو بیچ میں سب سیم ہے, نہیں بیچ میں سیم ہے کہاں, ایکسلریشن از چینجنگ, دس از اے کیس آف نان یونیفارم ایکسلریشن, جبکہ ہمارے سارے کوشچنز کیا ہوتے ہیں یونیفارم ایکسلریشن, پوری جرنی میں ایکسلریشن ایک ہی ہوتی ہے. تو اس کوشچن کو کرنے کا یہی طریقہ ہے, ڈیفرنسیشن کا اسٹیپ لو, تو ایکسلریشن از ٹوائس دی ویلوسٹی, ایکسلریشن از ڈی وی بائی ڈی ٹی ٹوائس دی ویلوسٹی. ایک چیز یاد رکھنا, کیونکہ ڈی وی بائی ڈی ٹی از ٹو ٹائمز ویلوسٹی, یا پھر ڈی وی از ٹو ٹائم ویلوسٹی انٹو ڈی ٹی, پرابلم یہ ہے کہ مجھے چینج ان ویلوسٹی تو نکالنی ہے لیکن ود رسپیکٹ ٹو ٹائم نہیں نکالنی, میرے کو کوشچن میں کہا گیا ہے ود رسپیکٹ ٹو ڈسپلیسمنٹ. تو ڈی ٹی کو الیمینیٹ کر کے ہم کس کو لے کے آئیں گے, ڈی ایس کو لے کے آئیں گے, اور اس کو لانے کا طریقہ یہ ایک ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جو ڈی وی بائی ڈی ٹی ہے, جو لیفٹ سائڈ کا یہ جو فارمولا میں نے لکھا لیفٹ سائڈ پہ, اس کو ڈی وی بائی ڈی ٹی کو ڈی ایس سے ملٹیپلائی ڈی ایس سے ڈیوائڈ کر دو. یہ پروف بھی ہوتا تھا, یاد ہے وی اسکوائر مائنس یو اسکوائر ٹو ایس کا یہی پروف ہوتا تھا پلس ون میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا ایک پیئر بن گیا, اس کا یہ پیئر بن گیا, تو کیا آ گیا ڈی ایس ڈیوائڈیڈ بائی ڈی ٹی انٹو کیا آئے گا ڈی وی ڈیوائڈیڈ بائی ڈی ایس از ٹو ٹائم ویلوسٹی. اب مجھے پتا ہے ڈی ایس بائی ڈی ٹی ویلوسٹی وی ہوتی ہے, تو وی ڈی وی از اکول ٹو ٹو انٹو وی انٹو ڈی ایس, ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک وی ڈی وی ٹو وی ڈی ایس, یہاں دیکھو یہاں مت دیکھنا, تو آپ کے پاس آپ انٹیگریٹ کر دو دونوں سائڈس کو, ڈسپلیسمنٹ کی لمٹ آ جائے گی کوشش مت کرنا, جتنے بھی نان یونیفارم ایکسلریشن کے کوشچنز ہیں وہ انٹیگریشن کے تھرو ہی ہوتے ہیں, اس میں ایکسلریشن کی ویلیو چینج ہوتی ہے, 99% ایسے ہوتے ہیں ڈی ایس سے ملٹی پلائی ڈی ایس سے ڈیوائڈ کر کے, ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک ایک اور کیس سن لو, مومنٹم کانسٹنٹ ہونے کا, یہ ہم نے لاسٹ ٹائم مس کر دیا تھا. مومنٹم کانسٹنٹ ہونے کا ایک کیس ہے کہ مان لو ایک ٹرالی جا رہی ہے, فرکشن نہیں ہے, ٹرالی جا رہی ہے ود ویلوسٹی آف وی, اور کوئی ماس, اور اس کا ماس کیپٹل ایم ہے, کوئی ماس ایم ڈیش اس میں ڈراپ کرتا ہے, ڈراپ کر دیا گیا, لیکن یاد رہے بنا جھٹکے کے, نو ایکسٹرنل فورسز اپلائیڈ, وین نو ایکسٹرنل فورسز اپلائیڈ اور جینٹلی اس کو پلیس کر دیا گیا, تو ٹرالی کی ویلوسٹی چینج ہو جائے گی. تو ٹرالی مینس جمپ کرنے سے پہلے مومنٹم اتنا, جمپ کرنے کے بعد مومنٹم کتنا اتنا, اور ویلوسٹی ٹرالی کی کیا ہوگی وی ڈیش. ہم پہلی بات اس کو جھٹکا نہیں دے رہے کہ مومنٹم ویکٹر ایسے ہے, اگر وہی دے دوں گا تو مومنٹم کنزرویشن نہیں ہے, اگر آپ نے زور کی پھینک دیا نا اسے پھر تو جھٹکا لگ گیا, جھٹکا نہیں جینٹلی پلیس, پتا بھی نہیں لگا, بس چلتے چلتے ماس بڑھ گیا بنا یہ دیکھے گی کیسے پڑا, فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ نہیں تو پھر مومنٹم کنزرویشن نہیں لگے گا, اگر آپ نے اس کو تھرو کرنا ہے, آپ نے فورس لگانی ہے, پھر ویلوسٹی مت پوچھو, پھر کوشچن نہیں بنے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو پتا نہیں بس ٹرالی جا رہی تھی اپنے آپ ہی ماس اس کا ایم سے ایم ڈیش ہو گیا, تو ویلوسٹی اس کی چینج ہو گئی وی ڈیش ہو گئی, ٹھیک. تو پھر کوشچن سالو کرنا,
तो आ गया आंसर इसका, तो रेल रोड है मास एम है, इनिशियल वेलोसिटी वी है, लो ट्रॉली जा रही है मास एम की विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, वेलोसिटी वी रिमेंस कांस्टेंट अंटिल टाइम टी इज इक्वल टू, इट इज सडनली स्टार्टेड टू रेन, बारिश पड़नी शुरू हो गई, रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वाई एंड एड अ मास म्यू केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड एक सेकेंड में इतने केजी ऑफ वॉटर टू दी कार, तो वेलोसिटी ऑफ दी कार टी सेकेंड आफ्टर दी रेन स्टार्ट। मुझे एक चीज बताओ कि अगर म्यू केजी पर सेकेंड है, टी टाइम टी सेकेंड के बाद, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, कितना मास बढ़ गया म्यू टी, इतना मास बढ़ गया ना, तो आपको इसमें क्या निकालना है कि assuming that it has no not filled up with the water, तो आपको इसमें वैल्यू निकालनी है कि किसकी velocity क्या होगी, कार क्या होगी t सेकेंड के बाद, तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनिशियल मोमेंटम एम वी, फाइनल मोमेंटम ट्रॉली का मास m, और कितना मास बढ़ गया म्यू इंटू टी इंटू वी डैश। आप कहोगे कि सिर्फ वी वाई तो लिया नहीं, वी वाई छोड़ दिया ना, रेन की स्पीड वी वाई छोड़ दी, अगर तुम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हो तो वी वाई का इम्पैक्ट ही नहीं होगा, अगर वी वाई का इम्पैक्ट लेना है वाई एक्सिस के अलोंग, हम मोमेंटम लगा रहे हैं सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस, उसका इम्पैक्ट हम नहीं लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आपने झटके लगा दिए जोर की तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट वी डैश नहीं रहेगी, इट विल चेंज, तो आपने वाई एक्सिस के केस में नहीं लेना। हॉरिजॉन्टल मोशन में मोमेंटम लगाना है, वर्टिकल वेलोसिटी हवा में उसकी क्या वेलोसिटी थी, मैंने क्या लेना, बस मेरे को ये देखना है कि वो जेंटली प्लेस कर दिया गया, ये नहीं कि वो बहुत जोर की फोर्स लगा रहा है जिससे कि इंपैक्ट वेलोसिटी पे पड़ रहा है ट्रॉली की।
کیسے ہوگا؟ آپ کو کیوں لگا بھی آنسر ہے اس کا؟ پینشن کی ویلیو بندے کو اٹھا دے، بلاک کو اٹھا دے، مینز یہ بندہ ایسے ایکسلیٹ کرے، اتنی تیز تیز جائے کہ کیونکہ اس کے موو کرنے کے اوپر ٹینشن ویری کرے گی، تو ٹینشن ایسی ہونی چاہیے کہ یہ جو بلاک ہے وہ ہوا میں اٹھ جائے. ٹینشن زیادہ ہونا چاہیے ویٹ سے، کیپٹل ایم جی سے. تو ٹینشن نکلتی کیسے ہے؟ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. جو مین ہے، مین اوپر جا رہا ہے، ٹینشن اوپر ہے، اس کا ویٹ نیچے ہے، مین اوپر جا رہا ہے ود این ایکسلیشن آف اے، تو ٹی مائنس ایم جی از ایم اے. تو ٹینشن کی ویلیو یعنی کہ اس کی ایکسلیشن پہ ڈیپینڈ کرے گی. تو ٹی از اکول ٹو ایم انٹو جی پلس اے. جتنی زیادہ اے ایکسلریشن ہوگی اتنی بڑی اس کی کیا ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. ٹھیک ہے نا یہاں تک؟ اور اگر وہ ایکسلریٹ نہیں کرے گا اے زیرو، تو ٹینشن ول بی اکول ٹو اٹس ویٹ ایم جی. اور اس کو تو ایکسلریٹ کرنا ہے. اور جتنی وہ ٹینشن پروڈیوس کرے گا، جو دوسرا بلاک ہے، جو دوسرا بلاک ہے، اس کیس میں ٹینشن جو ہوگی اس بلاک سے ویٹ سے بڑی ہونی چاہیے. ٹی کی جگہ ویلیو پٹ کر دو ایم انٹو جی پلس اے، اے نکال لینا جو بھی آنسر. آپ مین کے مین کے لیے ایکسپلینیشن نکال رہے ہیں. ٹینشن ٹینشن چھوٹی مطلب مین چڑھ رہا ہے، اس نے ٹینشن پروڈیوس کی، ٹینشن روپ کے اندر یونیفارم رہے گی. ٹھیک، اگر جتنی جلدی وہ چڑھے گا ٹینشن اتنی زیادہ ہوگی. وہ ٹینشن کس کو ملے گی؟ بلاک کو ملے گی. بلاک ہوا میں اوپر اٹھ جائے گا، سمال ایم جائے گا. اگر اس کو کون اٹھائے گا؟ ٹینشن ہی اٹھائے گی. یہ ہوا میں لٹکے ہوئے بلاکس نہیں ہیں. دیکھو، اگر میں رسی کھینچ کے دوسرے بلاک کو اٹھا رہا ہوں تو مینز میں ٹینشن زیادہ پرووائڈ کر رہا ہوں. ہاں، ٹینشن شوڈ بی گریٹر دین ویٹ. میں جا کے تو نہیں اٹھا رہا نا، ٹینشن کے تھرو ہی اٹھا رہا ہوں. نیکسٹ ہے یہ دیکھنا، فگر شوز ا بیڈ آف ماس ایم موونگ ایٹ دا اسپیڈ وی تھرو اے یو شیپڈ اسموتھ وائر. وائر ہیز ا سیمی سرکولر بینڈنگ بٹوین دیم اے اینڈ بی. ایوریج فورس ایگزرٹڈ بائی ا ہیڈ آن ا پارٹ اے بی آف ا وائر از واٹ. تو کوشچن یہ ہے کہ ایک ماس ہے، وی ویلوسٹی کے ساتھ آ رہا ہے، یہ گھوما، یہاں سے یہاں تک گھوما سیمی سرکل میں اور واپس چلا گیا. آنے کا مومنٹم ایم وی، جانے کا مومنٹم ایم وی، چینج ان مومنٹم ایم وی مائنس مائنس ایم وی، یعنی کہ ٹو ایم وی. اور ٹو ایم وی چینج ان مومنٹم ڈیلٹا پی. اگر میں اس کو ڈیلٹا ٹی سے ڈیوائڈ کر دوں تو میرے پاس کیا آ جائے گی؟ فورس. اور کوشچن میں فورس ہی نکال دی ہے. از اکول ٹو ٹو ایم وی اپون ڈیلٹا ٹی. ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹینس اپون اسپیڈ. ٹھیک ہے، جو ٹائم ہے اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ ڈیلٹا ٹی کو کتنا ڈسٹینس کور کیا سیمی سرکل میں؟ پائی انٹو آر بائی ٹو. سیمی سرکل ہے نا، تو پائی انٹو آر بائی ٹو سیمی سرکل کا ڈسٹینس ہے. اور کتنی اسپیڈ کے ساتھ کیا؟ وی کے ساتھ کیا. اور ایک کام کرو، ریڈیس کو پٹ کر لینا ڈائی میٹر بائی ٹو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں، فور تم خود ہی کرو گے، مطلب آر کی جگہ ڈی بائی ٹو. پائی انٹو سیدھا ڈی بائی ٹو کر دو. ٹھیک ہے، اس ٹائم کو اٹھا کے یہاں پٹ کر دو. ٹھیک ہے، فورس آ جائے. فورس سے نکال دیا نا، کتنی فورس لگائی سیمی سرکل پہ؟ تو فورس از اکول ٹو ڈی پی بائی ڈی ٹی. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ باڈیز ہیں، ایک ماس ایم ہے، ایک فور ایم ہے، سٹرنگ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. باڈی آف ماس ایم ہینگنگ فرام اے سٹرنگ آف لینتھ ایل، کچھ ایسے. ایک ایم ماس ہے اور ایک فور ایم ماس ہے. یہ آگے پیچھے موو کر رہا ہے پینڈولم کی طرح. نیچے والا ماس پینڈولم کی طرف
की तरफ मूव कर रहा है एंड लेंथ स्ट्रिंग की एल है, एम्पलीट्यूड थीटा वन समझते हो कि जो नीचे वाला बॉब मूव कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा एंगल कितना कवर कर पाएगा, थीटा नॉट। एंड दूसरी बॉडी किस पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास 4m, यहां पर म्यू क्या हो ताकि ये रेस्ट पे ही रहे। मतलब आपको बस क्वेश्चन निकालना, आपको ये निकालना है कि ये आपके सामने एक बॉडी है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है, आपको इसको रेस्ट पे ही रखना है, तो म्यू कितना हो। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब ये नीचे वाली बॉडी एम आगे पीछे मूव करेगी तो कुछ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसमें आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे एक बाल्टी है आप वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो, सबसे ज्यादा टेंशन उस स्ट्रिंग में कहां आती है, जब वो बकेट कहां पर होगी, एट लोएस्ट पॉइंट। ज्यादा टेंशन, ज्यादा, कम 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 कम, ऑलमोस्ट जीरो, इंक्रीज 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 एंड मैक्सिमम। अब इसमें भी टेंशन कॉर्नर पे सबसे कम, इंक्रीज 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 और मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा 4m का गिरने का डर कब है, जब नीचे वाला ब्लॉक m कहां पर होगा, एट लोएस्ट पॉइंट। जब वो चल रहा होगा लेकिन लोएस्ट पॉइंट टेंशन एक्सीड कर जाएगा, अगर वो लोएस्ट पॉइंट पे नहीं गिरा ना तो यानी कि और किसी पॉइंट पर तो वो गिर नहीं सकता, तो यानी कि आप क्वेश्चन कहां पर सॉल्व होगा, एट, बात समझ में आ रही है। तो आपने इसमें क्या करना है कि एक उसको पेंडुलम को उठाने, ऊपर से थीटा नॉट से नीचे लेके आने, उसकी वेलोसिटी निकालनी है उस स्टैंड पर। मतलब जब इसका एंगल थीटा नॉट था, जब भी मास यहां पर है, यहां पर आया, पहले इसकी वेलोसिटी निकाल, फिर इसकी वेलोसिटी निकालोगे इसकी टेंशन आएगी यहां पे टी। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। क्यों सर्कुलर, क्यों? क्योंकि इस बॉब का वेट कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली। तो टी माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय एल, यहां पर क्या आएगी, वेलोसिटी वी आएगी, वी तो आप निकाल लोगे एनर्जी कंजर्वेशन से की तरीके से, तो वहां पर टेंशन आएगी। मतलब इस पॉइंट पर लेट से आपने टेंशन निकाल दी, चलती हुई बॉडी में टी इक्वल टू एम जी कैसे हो सकता है? सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी चल रही होती है, यहां पर वेलोसिटी वी होती है, तो टी एम जी नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितनी, टी माइनस, ऐसे नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, अभी हमने नेक्स्ट टाइम सर्कुलर ही करना है इसके साथ, क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन एंड सर्कुलर के तो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ही वो बॉब नीचे आता है, मान लो आपने टी निकाल लिया, जो आपका टेंशन है वो टेंशन की वैल्यू, जो भी यहां पर टेंशन आप निकालोगे, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे सॉल्व इसे, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू टाइम्स 4m जी। ये टेंशन की वैल्यू शुड बी लेस देन म्यू टाइम्स 4, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी होनी चाहिए, 4 4m है ठीक। तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन टेंशन, तो इट मींस ये नीचे नहीं गिरेगा, यहां से म्यू निकालना है। पर पहले क्या निकालना पड़ेगा, टी निकालने के लिए कौन सा चैप्टर आना चाहिए, सर्कुलर। नेक्स्ट लेक्चर कहां से स्टार्ट है, सर्कुलर। फिर इस असाइनमेंट के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, होमवर्क देंगे, तो नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करते हैं सर्कुलर के साथ।